भदौरिया साहब आपका जवाब चाहूंगा। ये कह रहे हैं मुसलमानों की बात करने वाली तमाम अपोजिशन पार्टियों ने मुसलमानों को ठगा है, असली हिमायती है तो सिर्फ और सिर्फ हितैषी है AIMIM। देखिए मैंने जो मुद्दा उठाया उसके बारे में आपको भी चिंतन करना चाहिए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि समाज के अंदर में विकास की राजनीति होनी चाहिए। ये धर्म के नाम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो शुरू करती है ना, भारतीय जनता पार्टी का खेल है, इसमें किसी को फंसना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान आगे तभी बढ़ सकता है जब हिंदुस्तान के भले की बात होगी, हिंदुस्तान के विकास की राजनीति होगी या डेवलपमेंट की बात होगी, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती। अभी आरपी सिंह साहब भी देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं बार बार इनसे पूछ रहा हूँ कि पर्चा लीक में 25 लाख स्टूडेंट की बात करो तो नहीं सुनना चाहते। 25 लाख स्टूडेंट मतलब एक परिवार, उनकी चर्चा नहीं करना चाहते, उन्हें दर्द नहीं उस बात का। किसान की बात करेंगे तो उसका दर्द नहीं उनका। अगर यहाँ महिला समस्या की बात करेंगे तो उसका दर्द नहीं उनको। अगर हमने नीट पर काफी बहस की है और फिर आगे भी इस पर बहस करेंगे। विजय शंकर तिवारी जी, मैं मुद्दे पर आ रहा हूं, टू दी पॉइंट आ रहा हूं। जो बात राहुल गांधी ने कही, पूरा विपक्ष साथ में खड़ा है। वो यही कह रहा है विपक्ष कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, बीजेपी पॉलिटिसाइज कर रही है, हिंदूवादी संगठन इसे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, जान बुझ करके इसे धर्म का चोला पहना जा रहा है। हाँ नहीं बिल्कुल, अभी मैं भी सुन रहा था कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी हिंदू हैं और जो सपा के प्रवक्ता हैं वो भी हिंदू हैं और अपने बड़े जोर शोर से हिंदू कहते हैं, लेकिन सच बात तो है कि हिंदू होने का स्वाभिमान खो चुके हैं, इनकी आंखों का पानी मर चुका है। कल राहुल गांधी ने जो कहा, जिनके पिता पारसी, जिनकी माँ क्रिश्चियन, जो स्वयं हिंदू नहीं है और जो हिंदू नहीं है उन्होंने हिंदुओं को गाली दी, उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा। किनको हिंसक कहा? जो चीटियों के ऊपर पैर रखने में संकोच करता है, चीटियों को आटा खिलाता है। विजय शंकर तिवारी जी, कोई निजी टीका टिप्पणी किसी पर नहीं होनी चाहिए, बहस की गरिमा नहीं कर रहा हूं मैं कोई निजी, मैंने कहा जिनकी आंखों का पानी मर गया हो, जिनका अंतर स्वाभिमान मर गया हो, एक बिल्कुल सरेआम संसद में खड़े होकर के हिंदुओं को हिंसक कहना, ये गाली नहीं है तो क्या है? सारा हिंदू समाज उबल रहा है, फिर कहते हिंदू मुस्लिम हम करते हैं, संसद में खड़े होकर के हिंदू मुस्लिम आपने किया। हम कहते 1966 में जो संत दिल्ली में थे और गोरक्षा को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, तो सैकड़ों संतों को मरवाने का काम अहिंसा के नाम पर किसने किया? ये कांग्रेस ने किया ना, यही राहुल गांधी की कांग्रेस ने किया ना। जब देश का बंटवारा हुआ, लाखों लाख हिंदू मारे गए, किसने मारा? वो अहिंसा के नाम पर ही किया गया ना। 1984 में हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ, अहिंसा के नाम पर हुआ ना। ये अहिंसा की बात करते हैं, ये कहते हैं कि हिंदू मंदिर जाते हैं चप्पल चोरी करने जाते हैं, ये कहते हैं हिंदू मंदिर जाता है तो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, ये बात करते हैं। संतों को आतंकवादी बना दिया इन्होंने, हिंदुओं को आतंकवादी कहकर पुकारा इन्होंने, ये बात करते हैं। इसलिए हिंदू समाज खड़ा नहीं होगा। आप कहेंगे कि नहीं नहीं, यानी वो अहिंसा के पुजारी हो गए जो बात बात में गर्दन काटते हैं। मैं कहता हूं कि ये राहुल गांधी ने, प्रियंका जी इस पर जवाब चाहूंगा, लेकिन जो बात यहां पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कही जा रही है कि संत समाज में भी काफी नाराजगी है, क्या कुछ वो कह रहे हैं वो सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। विरोध की जो बात करते हैं तो सबसे पहले तो यही समझ ले कि ये जो सारे कार्य हैं हिंसा फैलाने वाले कौन लोग करते हैं। हमारी जो महाकाल भगवान की या अन्य भगवानों की जो सवारियां निकलती हैं उन पर पत्थर कौन फेंकता है? और भी हर तरीके की हिंसा, झूठ कपट में। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस वक्त कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं एक बार। आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें NDA के साथियों के साथ सारे MPs को शेयर किया है और जो गाइड किया है, हम लोगों को एक मंत्र दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक MP सदन में देश सेवा के लिए आए हैं, बाकी कोई भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन देश सेवा ये प्रथम हमारा दायित्व है। और हर एक NDA का MP को देश को सबसे ऊपर रख करके काम करना है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। दूसरे जो हमारे MPs का जो आचरण है, हमारा बिहेवियर, हमारा कंडक्ट, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से हमको मार्गदर्शन दिया। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर एक MP अपने अपने क्षेत्र का विषय को बहुत ही प्रभावी ढंग से सदन में रखना चाहिए और रूल के मुताबिक, नियम के मुताबिक
देश का और भी कोई बड़ा विषय हो जिसमें रुचि है, सांसद होने के नाते अपने अपने रुचि होते हैं, उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करना है। कोई एमपी पानी के विषय में, कोई एमपी पर्यावरण के विषय में, कोई एमपी सामाजिक क्षेत्र में, अलग अलग रुचि होता है, तो उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। और सारे एनडीए के सांसदों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि हम सदन का नियम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है, और एक अच्छा सांसद बनने के लिए जो आचरण की आवश्यकता है वो पूर्ण रूप से अपनाए, और हम नियम के साथ और पार्लियामेंट्री जो कन्वेंशन है, ट्रेडिशन है, उसी के साथ पेश आना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन रही है, मैं मानता हूं कि हर एक एमपी को, खास करके जो पहले बार चुन के आए हैं, ऐसे सांसदों के लिए बहुत अच्छा मंत्र दिया है, और प्रधानमंत्री जी के बात को सुन करके एक अच्छा प्रभावी सांसद बनने में पूरा आगे मौका मिलेगा, और इसी मंत्र के साथ हम सब चलेंगे, ये हमने तय किया है। और एनडीए का कोऑर्डिनेशन, फ्लोर कोऑर्डिनेशन, एकजुट में काम करने का बहुत अच्छा स्वरूप आज देखने को मिला है, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि। तो संसदीय कार्य मंत्री को सुन रहे थे आप, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें मुद्दे पर फोकस रहना चाहिए, कंडक्ट की बात उन्होंने कही और यहां पर देश सेवा की बात की। लेकिन प्रियंका जी, बात अधूरी रह गई थी, संत समाज में जो नाराजगी है, कांग्रेस और राहुल गांधी कैसे दूर कर पाएंगे? प्रत्युष जी, अभी मैं किरण जी को सुन रही थी। चलिए, प्रधानमंत्री जी ने यह तो कहा कि कम सांसद को याद दिलाए कि देश सेवा करनी है, प्रधानमंत्री की सेवा नहीं करनी है। दूसरी चीज ये है कि आज उनको याद आ रहा है कि नियम होने चाहिए, कानून होने चाहिए। कल तो किताबें भी खुल गई नियम और कानून की। अभी तक संसद को एक ही लोक अलोकतांत्रिक ढंग से तानाशाही से हाँका जा रहा था, अब संसद की किताबें भी खुलेंगी, अब सबको जो है ना ये नियम भी याद आएंगे और कानून भी याद आएंगे। ये तो अभी शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, जनता के मुद्दे इस बार गूंजेंगे। और रही बात अभी यहाँ पर जो है, मुझे यहाँ पर जो बता रहे थे कि मैं हिंदू, मुझे अभी याद दिला रहे कि मैं हिंदू, तब हिंदू कहाँ चला गया था इनका, जब अयोध्या में मंदिर तोड़े जा रहे थे, तब हिंदू कहाँ चला गया था इनका, जब बनारस में मंदिर तोड़े जा रहे थे, आज भी वो मूर्तियां कहाँ पड़ी आपको पता है? यहाँ बैठकर आप प्रवचन देना आसान है, पर हकीकत में जमीनी स्तर पर जाके देखिए कि वहां के लोगों की क्या दुर्दशा बनाई हुई है। जब शंकराचार्य लगातार कहते रहे मंदिर का काम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वहां पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, तब कहां गए थे आपका हिंदुत्व, कहां चला गया था? मैं पूछना चाहती हूँ, आज मंदिर में पानी गिर रहा है उसका जिम्मेदार कौन? तो अभी जो है ना, अपनी चीजों को अपनी तरह से देखने की आदत बंद करनी होगी। और जवाब देखिए, जो मैंने बहस की शुरुआत की थी ना, जो मैंने बहस की शुरुआत की थी, हमने कहा था कि अब ये मुद्दा उस तरफ बढ़ रहा है, देश में असली हिंदू कौन, नकली हिंदू कौन? तिलमिलाट नहीं आएगी आपको। आरपी सिंह जी, दिखता है कि कैसी सोच है इनकी, कैसी राम मंदिर को लेकर कैसी सोच है, ये पलटित हो रही है। जो मैंने कहा था ना, इनका डीएनए हिंदू विरोधी है, इनका डीएनए हिंदू विरोधी है, ये मुसलमानों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, ये खुद को अपने आप को मुसलमानों की पार्टी कहते हैं, इसलिए इस प्रकार की बात करते हैं, इसलिए कहते हैं कि सारे हिंदू हिंसा क्या मेरा चैलेंज सरकार के लिए, आप पूरा देश देख रहा है और उसी का जवाब दिया है आपको। आपने देश को धर्म के नाम पे बांटा है, आपने कहा सिखों के खिलाफ हिंसा हुई, सिखों के खिलाफ अगर हिंसा करी तो कांग्रेस पार्टी ने करी, राजीव गांधी ने करी, दिल्ली के अंदर 3,000 से अधिक सिख मारे गए और वह राजीव गांधी उसके पीछे था, उसके पीछे राजीव गांधी का हाथ था, दिल्ली में ये 3,000 सिख मरवाने के पीछे राजीव गांधी का हाथ था। कांग्रेस से बड़ी हिंसक पार्टी कोई है नहीं। नहीं, ये जो सड़कें गिर रही हैं, टंकियां गिर रही हैं, 3,000 से अधिक सिख मारे आपने, नेहरू जी का हाथ है। थोड़ी लज्जा कीजिए आप लोग, थोड़ी लज्जा कीजिए आप लोग, इस देश के बच्चों का भविष्य देखिए। जब नीट पर चर्चा की बात, मैं डीके दुबे, मैं डीके दुबे जी का रुख कर रहा हूँ। डीके दुबे जी, राहुल गांधी जी ने जो बात कही कि हमारे कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब बीजेपी और आरएसएस से था, वो कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेकेदार ना बने, उनके कहने का मतलब ये था। यानी क्या आरएसएस बीजेपी नफरत फैलाती है जो कांग्रेस कह रही है? वो कह रहे हैं हमारी दुकान तो मोहब्बत की दुकान है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, उनकी मोहब्बत की दुकान जो लक्षित हिंसा बिल पास कर रहे थे 2011 में, वो किसको टारगेट कर रहा था? भगवा आतंक जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे और बड़े
बड़े स्तर पर अपने अधिवेशनों में बोल रहे थे, वो किसके लिए, भगवा आतंक किसके लिए जाता है, हिंदू हिंसक है, वो उन्होंने कहा, कोई नई बात नहीं कही। लेकिन एक बात जो बहुत विषय महत्वपूर्ण है वो ये है कि संसद में जो चर्चा होनी चाहिए थी वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होनी थी, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का ये विषय चल रहा था, इन विषयों पर शिव जी की मूर्ति दिखाना और इन विषयों पर अरे आपकी 99 आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब जगह बोलेंगे और किसी को बोलने नहीं देंगे। भाई सुन लीजिए फिर आप बोलिए, उस पर आपको अवसर देगा अंकल, बोलिए ना, क्या बोलना चाहिए, इस बात पे क्यों बोल रहे हैं, क्या बोला है उस पर बोलिए ना। अरे संसद का रूल होता है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो पॉइंट है, तो रूल के तहत ही बोलना चाहिए था ना आप, नहीं नहीं रूल बुक तो खोली है, अरे मुझे बताइए हिंदी के सब्जेक्ट में पॉलिटिक्स पढ़ाएंगे क्या, मैडम साइड में रखी गई थी ना, पढ़ के आएंगे लोग और आप भी पढ़िए जाके, विषय पर आइए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलते कहीं भी, आप फिलॉसफी के क्लास में हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, अंग्रेजी के क्लास में संस्कृत ही पढ़ाने लगेंगे। डीके दुबे जी, डीके दुबे जी, डीके दुबे जी, एक सेकंड, डीके दुबे जी, बीजेपी आरएसएस कहती है कि ये एक्सीडेंटल हिंदू है, ये सीजनल हिंदू है, ये कांग्रेस वाले, ये नेता, ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सबके बारे में, और कांग्रेस बार बार आरएसएस पर, बीजेपी पर, हिंदूवादी संगठनों पर इतने हमले क्यों करती है, और कांग्रेस कह रही है कि देख लीजिए इस बार जो नतीजे आए हैं देश की जनता ने बता दिया है कि वो क्या सोचती है इनके बारे में। नहीं आप बता दीजिए 293 नतीजे खराब हैं क्या, सरकार बन गई है नतीजे खराब क्या, प्री अलायंस पर इलेक्शन हुआ उसके नतीजे खराब हैं क्या, आपके पास 99 हो गए तो नतीजे बहुत अच्छे हैं और उधर 293 हो गए तो नतीजे खराब है, कमाल की बात है। दूसरी बात ये है जो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, भाई उनके पास कोई विषय हो तो फिर उस पर चर्चा करें, संघ ने इनके लिए कौन सा बयान दे दिया या संघ ने इनके लिए कौन सा वो कर दिया ये बताएं, जो ये संघ को बीच बीच में घसीट रहे हैं, संघ ने तो कोई स्टेटमेंट इनके खिलाफ दिया नहीं होगा और संघ इनके लिए कुछ कहता भी नहीं है, तो संघ को घसीटने का मतलब ये है कि जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, हाँ। जिसने लक्ष्य बनाया है तो क्या अनुराग भदौरिया बेवजह इसमें कांग्रेस आरएसएस को खींच रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जो विशेषज्ञ हैं उनको शायद पता नहीं है, वो बोलते हैं 99 भैया हम इंडिया एक हैं, 234 है, आप बोलिए मत, आप भारतीय जनता पार्टी 240 में अल्पमत में है, आपके साथ। अरे कभी भी गिर सकती है, आम आदमी पार्टी है आपके साथ, यार बहुत दिन तक चलती नहीं है। सरदार जी सुन लीजिए मेरी बात, हम आप हमारे मित्र हैं, प्रवक्ता महोदय जी मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, निवेदन कर रहा हूँ आपसे, आपको नकार दिया है आपसे साहब, जरा बता दीजिए आम आदमी पार्टी है आपके साथ, बता दीजिए, मुद्दों पे दोबारा बात नहीं करेंगे हम, बार बार आपको मुद्दों पे ले जाना चाहते हैं कि किस तरह की परेशानियां देश के अंदर में, आप देश मैं तो आप ही अभी गिनती गिना रहे थे, मैं तो आपकी मुद्दों पर बात करें ना, हिंदू हिंसा का ये कहां से बात हो गई, सारे हिंदू हिंसा का ये कहां से बात हो गई, ये कौन सा मुद्दा देश का, हम जीते जब स्थिति जीते हो 240 सीटें आई, हम जीते जहाँ पूरा आपने तंत्र लगा दिया, अरे आप तो हिंदुओं की बात ही मत करो ना, आपने तंत्र का दुरुपयोग किया उसके बाद मात्र 240 और लंबी लंबी बातें मार रहे हैं बैसाखी पे टिके आके, आप चिंता मत कीजिए आप भी इधर आ जाइए, बीजेपी का जहाज डूब रहा है, फेल हो गए आप, 25% ही ला पाए तो आपको रोना हो रहा है, हम ले आए तो आपको दिक्कत हो रही है, आप जल्दी से नाव से उतर लीजिए, डूबती हुई नाव पे मत सवार रहिए, आप हमारे 293 आए, वो आपके 233 की गणित पता नहीं पता, मैंने अभी पूछा आम आदमी पार्टी आपके साथ है या नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है उस बात का, भ्रष्टाचार की नाव पे मत सवार होइए, सत्य वाली नाव पे आइए जो इंडिया गठबंधन का है, इसमें आएंगे, ये राष्ट्रवादी नाव है, ये सत्य के साथ चलती है, ये जनता के मुद्दों को लेके चलती है, ये जनता के साथ खड़ी होती है, आप इसलिए आप हमारे साथ आ जाएंगे तो आप ही सत्य ये कब कहते हैं कि अच्छा चलो सत्य की बात करते हैं, मैं अंग्रेज चाहिए क्या हिंदू हिंसा क्या क्या, मैं अंग्रेज भाई आपके पास आऊं, उससे पहले आरपी सिंह जी देखिए पूरा अपोजिशन खड़ा है साथ में राहुल गांधी के बयान के, आपके साथ एनडीए के अलायंस भी खड़े हैं, लेकिन जेडीयू की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया कि राहुल गांधी ने जो बोला वो सही था या गलत था, ऐसा क्यों? आप प्रत्युष जी मैं चाहता हूं कृपा कर आज के अखबारों की हेडलाइन पढ़िए, मेरे पास ये आज का अखबार है जिसमें स्पष्ट लिखा है हिंदुओं को हिंसक कहने पर लोकसभा में संग्राम,
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा में लगे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी का बयान है। अब ये तो सत्य है, राहुल गांधी हिंदू विरोधी है, ये सत्य मैंने, है। मैंने शुरू में ही कहा सदन की कार्रवाई से ये शब्द, ये अंश राहुल गांधी के दिए गए, ये अब हटा सर मैंने हटा दिया भी सदन की कार्रवाई अखबार से पढ़कर बताई है, मैंने अखबार में से पढ़कर बताई आपको साहब, ठीक है। अखबार पढ़ने का अधिकार तो है, ये तो नहीं अखबार भी नहीं पढ़ सकते। अब ये देखिए एनडीए सांसद अब यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तस्वीर सामने आ रही है, राहुल गांधी माफी मांगिए, राहुल गांधी माफी मांगो, ये कहा जा रहा है। कल जब सदन में राहुल गांधी बोल रहे थे उसी वक्त बीजेपी के सांसदों ने आपत्ति जताई और ये कहा कि राहुल गांधी को सदन में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। संत समाज भी बेहद नाराज है। और अब ये देखिए सदन में आज की कार्यवाही शुरू होने से पहले ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पर एनडीए के सांसद कह रहे हैं कि माफी मांगे। अब मैं जरा रंगरेज भाई आपसे पूछना चाहता हूं, सनातन को लेकर कई तरह के बयान सामने आते हैं, डीएमके के नेता उदयनिधि ने तो सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से कर दी थी। आप कहिएगा कि साहब चर्चा में डिबेट में ये भी चलता है, देखिए प्रत्युष जी कहा जा सकता है, प्रत्युष जी राहुल गांधी जी ने ना अभी अधूरा बोला है। हाँ। जो मस्जिद के सामने नाचते हो वो हिंदू नहीं हो सकते, जो मंदिर के ऊपर लेजर लाइट से जय सिया राम लिखते हैं, जो मुस्लिमों की लिंचिंग करते हैं, जो मुस्लिमों की मौत पर जश्न मनाते हैं, जो मुस्लिम धार्मिक स्थलों को तोड़ने का समर्थन करते हैं, जो मुस्लिम बहन बेटियों पर गंदी निगाहें रखते हैं, जो कानून न मारकर बुलडोजर को प्रथा का समर्थन करते हैं, जो खुद मांस खाते हैं लेकिन मुस्लिमों को मांस खाने से रोकते हैं, जो अपने धर्म के बारे में नहीं जानना जानते लेकिन मुस्लिम धर्म का अपमान करते हैं, ये अपमान पर खुश होते हैं, ऐसे हिंदू कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो हिंसा नहीं सिखाता, ना वो नफरत सिखाता, वो भाईचारा सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, सबको साथ लेके चलने वाला। मगर आज जो बीजेपी का जो हिंदू है तो क्या कोई भी जो बीजेपी के हिंदू है सनातन या हिंदू धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से कर देगा? नहीं नहीं बीजेपी के जो हिंदू है जो उनके कार्यकर्ता है। हाँ। वो हिंदू नहीं है क्योंकि वो इन सब चीजों में खुश होते हैं, लिंचिंग कर बुलडोजर की न्याय पे से लेकर जितने भी वाकया है बस उन्हें भक्ति के अलावा और कोई काम नहीं। और जो ये साधु संत खुलेआम मुसलमानों के लिए कुछ ना कुछ रोज आना उनका बयान देख लीजिए, मैं कहूँ तो मैं आपको सुनवा देता हूँ। अभी हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पे बजरंग दल के लोगों ने और आरएसएस के लोगों ने हमला करा, उनके खिलाफ हमने एफआईआर भी करवाई और ये दिखाता है फिर उनके फेवर में भाजपा के लोग अगर कोई लिंचिंग कर देता है प्रत्युष जी उनके फेवर में बीजेपी के लोग भागे तो पूरी वहाँ पर जो है महिमा मंडन करते हैं उनका और पूरी रैलियां निकालते हैं उनके फेवर में, तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से नफरत और हिंसा में कितने ग्रस्त हो चुके हैं। भाजपा को अपने मुद्दों पर आना चाहिए, उन्होंने जो जो वादे किए थे 2019 में आप तो कांग्रेस वो वादे अपने पूरे नहीं कर रहे, जब ये धर्म को लेकर आ जाते हैं। विजय शंकर तिवारी जी कई सारे बयान इन्होंने गिनवा दिए यहाँ पर कि क्या क्या कहा गया, क्या होता है, ये कह रहा है ये खुद को किस आधार पर हिंदू कहते हैं, ये इनका कहना है रंगरेज जी का। देखो ऐसा है कि रंगरेज कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है ये सर्टिफिकेट देने का काम रंगरेज नहीं करेंगे। दूसरा ये जो बड़ी बड़ी बातें लच्छेदार बातें कह रहे थे ये टीवी में बोलने की नहीं है रंगरेज साहब, ये जमीन पर करने की है। जमीन पर लौ जिहाद कौन करता है, लड़कियों को काट करके और फ्रिज में कौन रखता है, बक्सों में कौन बंद करता है, जो है ये एक मिनट रंगरेज एक मैं तो बता रहा हूँ आपको, ये लोकसभा में नाकाम आए दिन जो हमारे जो और बंगाल में अभी सारे देश की बात छोड़ता हूँ, बंगाल में आए दिन जो थोड़ी करते हैं भाई कौन कर रहा है, अरे भाई जो लिंचिंग कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, एक मिनट अच्छा ये बताइए कौन लोग हैं जो लिंचिंग कर रहे हैं, बोल रहे क्या ये जय सियाराम का नारा लगा के लोगों को मार रहे हैं वो लोग कौन है, अरे जो मस्जिदों के सामने नाचते हैं वो लोग कौन है, जो बुलडोजर के न्याय को सही ठहराते हैं वो लोग कौन है, ये जो मस्जिदों से पत्थर फेंके जाते हैं वो मस्जिदों को तोड़ा जाता है वो लोग कौन है, हिंदुओं को देश में 150 अरे आप कैसी बातें करते हैं विजय शंकर जी, इस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं और यहाँ खतरे में बोलना बंद करो, 100 करोड़ हिंदू खतरे में, आप कैसा नैरेटिव चला रहे हैं, आप कैसा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, हिंदू कभी खतरे में नहीं हो सकता, हिंदू मुसलमान की एकता हमेशा साथ रही है और ये इस देश की खूबसूरती है, आप भड़काते हैं लोगों को, विषय में दुनिया को पता है
तुम्हारे चरित्र के विषय में दुनिया पता है, ब्रिटेन बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। समय इजाजत दे रहा है, समय इजाजत दे रहा है, इसलिए इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, हमारे साथ टू दी पॉइंट में जुड़ने।